रमज़ान में आप इतना बिजी होते हैं थोड़ा शेड्यूल इस तरह का होता है कि आपका एक पैटर्न इस तरह बन जाता है कि हम लोग खाते पीते बहुत ज़्यादा हैं आप बिल्कुल ही अपनी स्किन को इग्नोर कर देते हैं ईद का जब टाइम आता है तो आप देखते हैं कि जी आपकी स्किन बिल्कुल डल हो चुकी है आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी आपकी स्किन एक शाइन करेगी एक नेचुरल लुक आएगा जी मैं हूं डॉक्टर खुरम मुशी कंसल्टेंट डर्माटोलोजस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट और मैंने अपना एम बी बी एस किया है फ्राम डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची से और स्पेशलाइजेशन इन डर्माटोलोलॉजी स्किन में हेयर में नेल में फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स कार्डिफ यू के जी और आज हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप देख रहे हैं कि पहले तो बहुत आपको सबको हमारे तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत रमजान की मुबारकबाद रमज़ान में आप इतना बिज़ी होते हैं थोड़ा शेड्यूल इस तरह का होता है कि आपका एक पैटर्न हम बन जाता है कि हम लोग खाते पीते बहुत ज़्यादा हैं मगर डरते भी रहते हैं स्किन को बिल्कुल इग्नोर करते हैं और होता है ग्रेजुअली आप बिल्कुल ही अपनी स्किन को इग्नोर कर देते हैं ईद का जब टाइम आता है तो आप देखते हैं कि जी आपकी स्किन बिल्कुल डल हो चुकी है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप आराम से रमज़ान को एंजॉय करें इबादत करें उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि खाना पीना एक बैलेंस में रखें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बहुत टाइम होता है आपके पास इफ्तार के बाद सरी के बाद पानी खूब सारा पीना है फ्रूट्स खाने बहुत फ्राइड चीज़ें खाएँ मगर थोड़ी कम ठीक है और जंक फूड आप इस तरह के ड्रिंक्स जो झाग वाले थे फिजी ड्रिंक्स वो एवॉइड करें फ्रेश फ्रूट्स खाएं ठीक है और कम क्वांटिटी में अच्छा और पाँच मिनट में आप अपनी स्किन केयर कर सकते हैं कि आप ईद पे बड़े जगमगाएं बड़े फ्रेश लगें एक तो ये करें प्रॉपर क्लेंजिंग क्लेंजिंग के लिए यह नहीं कि आपको कोई सैलॉन जाना है घर पे आप गए ठीक है जी थोड़ा सा आपने कोई अच्छा सा फेस वॉश लिया दो तीन दफ़ा अच्छी तरह जेंटल मतलब बहुत रगड़ के नहीं बड़े प्यार से आप पूरे चेहरे की सफाई करें ठीक है सेकंड अरके गुलाब घर पे रखें मेडिकेटेड उसको स्प्रे करते चले जाएं ठीक है दूध पीजिए ठीक है दूध चेहरे पे भी आप लगा सकते हैं डैप करके कॉटन से एक तो ये बड़ा अच्छा रिजीव हो गया सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके चेहरे की स्क्रबिंग ठीक है स्क्रबिंग के लिए क्या करेंगे आप बहुत सिंपल आपने क्या किया जी ये देखिए एक बड़ा ज़बरदस्त सा उपटन का मिक्सचर होता है ठीक है इसमें क्या है उपटन में ये देखिए आप चांदी के फ्लेक्स हैं ठीक है थीके? चांदी है इसके अंदर हुसन यूसुफ पाउडर है इसके अंदर हल्दी है इसके अंदर गेहूं पिसी हुई है चने का आटा है और इसके अंदर है संतल ठीक है तमाम चीज़ें आपने लिया इस पाउडर को आपने लेके थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका टेक्स्चर ठीक है ये आपने लिया दो चमचे एक प्याले में उसके अंदर आपने थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब किया दूध में और हर के गुलाब में और मिला के पूरे चेहरे पर लगा के इसे जैसे बच्चों को लगा के छोड़ दें इसको 15-20 मिनट और जैसे बच्चों के मैल आप छुड़ाते हैं ना आप थोड़ी देर में रब करके देखें आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी आपकी स्किन एक शाइन करेगी एक नेचुरल लुक आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक डेड डेड स्किन आपको लगती है ना लगता है कि बड़ी फ्लेकी स्किन है धुआं धुआं सा हो रहा है आपका चेहरा तमाम क्लियर होगा सेकेंड चीज़ फेस वॉश बहुत माइल्ड बड़ा जेंटल आपको मैं इसका टेक्सचर भी दिखाता हूँ ये देखिए बिल्कुल आपने लिया ये देखिए थोड़ा सा स्किन वॉश आपने पूरे फेस वॉश पूरी स्किन को भी वॉश कर सकते हैं हम ये देखिए बिल्कुल माइल्ड है ठीक है इसके अंदर क्या है इसके अंदर है एलोवेरा ठीक है आपने ये लिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पूरे फेस पे आप देखिए फेस आपका ये है ठीक है फ्रॉम फोर हेड टिल योर नेक और नेप ऑफ द नेक भी है यहाँ लगा के अच्छी तरह दो मिनट के लिए जेंटल मसाज करें और उसके बाद आप कोई अच्छी सी क्रीम लगाएं कंटेनिंग बकरी का दूध ठीक है गोट्स मिल्क आपने सुना होगा वो आपकी स्किन को बहुत यंग करेगी आपके डार्क सर्कल्स ग़ायब होंगे आपके पोज़ बहुत क्लियर होंगे और एक सबसे इंपॉर्टेंट खातान को जो आ, बड़ा मसला होता है मर्दों को भी होता है जेंट्स को भी होता है कि आप जब बाहर जाते हैं धूप में काम करते हैं ठीक है या फिर आप कोई बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं खातानी तो उसके बाद आपकी स्किन एक टोन में नहीं रहती उस टोन को करने के लिए आपके पास बड़ी ज़बरदस्त चॉइस है अच्छा खुद घर में बनाने की तरकीब बताऊँगा मगर एक बनी बनाई क्रीम मैं आपको दिखाता ये देखिए ये बकरी के दूध की क्रीम ठीक है इसके अंदर क्या ये बड़ा आपको मैं इसको थोड़ा टच करके दिखाता ये आपने क्रीम ली बिल्कुल दूध का एक्सट्रैक्ट है आपने लेके इसे मिक्स किया अच्छी तरीके से और आप पूरे फेस पे यूनिफॉर्मली मिला के अच्छी तरह से करके, और पूरे फेस पे लगाएं अब लगा के आप बाहर भी जा सकते हैं सनस्क्रीन एडेड है ठीक है आपका सन प्रोटेक्शन हो गया आपकी स्किन ग्लो हो गई ठीक है आपकी स्किन को यूनिफॉर्मिटी के साथ साथ थोड़ा लिफ्ट भी करेगी तो जो रोज़ा में हम लोग बिल्कुल सैग कर जाते हैं उसको क्लियर करेगा आपकी स्किन बड़ी फ्रेश लगेगी इसके साथ इसका एडिड एडवांटेज ये है कि आपका जो रंग थोड़ा सा आपको जो क्योंकि आप थोड़ा नींद का रूटीन ख़राब होता है खाने पीने का आपका रूटीन ख़राब होता है तो इसको ये जाके मेंटेन करेगी जो कॉम्पनसेशन होता है जो कमी हो जाती है उसको पूरा करेगी अच्छा बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ये कहा है कि जी ये कहाँ से अवेलेबल होगी देखिए हर जगह अवेलेबल तो नहीं होती मगर आप हमें हमारे नंबर्स चल रहे होते हैं आपके स्क्रीन पर उस पर कॉन्टैक्ट करके कभी भी चाहें ऑर्डर भी कर सकते हैं आपके घर पर हम खुद मौजूद होंगे बदसूरत क्रीम ठीक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं रमजान की रिजीम में आपको कहूंगा देखिए नींद को आप कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करते हैं मगर उसको आप कॉम्पनसेट कैसे करेंगे जी आप जब भी आपके पास टाइम मिले थोड़ा बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे ठीक है और अपना टाइम मैनेज करें उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब लोग क्या करते हैं कि जी रात को बहुत ज़्यादा शैरी में या रफ्तार में बहुत ठूस ठूस के खाते हैं ठीक है थीके? अगर आप उससे पहले क्या करें जी आप जब आपका एक टाइम होता आप थोड़ी क्वांटिटी लेके उसको खाना शुरू करें च्यू करके खाएं पानी साथ पिएं और साथ में इंपॉर्टेंट बात ये रखें कि अपना वॉक को मेनटेन करें ठीक जब भी आपके पास टाइम है देखिए जब शैरी हो जाती है उसके बाद नमाज़ पढ़ के अगर आप थोड़ी देर वॉक करेंगे तो आपकी स्किन को बहुत ऑक्सीजन मिलेगी अगर वो टाइम नहीं होता तो आप रात के टाइम पे अपने कंपाउंड में अपने कमरे के अंदर एक एक्टिविटी ऐसी रखे जिससे आपके सर्कुलेशन खून का बढ़े ठीक है आपको थोड़ी स्वेटिंग हो और आपकी स्किन से जितना टॉक्सनस बाहर निकलेंगे ना जितना पसीना बाहर निकलेगा उतना ज़्यादा आपकी स्किन को फ्रेश होने में मदद देगा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो पसीना निकलता है वो आप उसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी बिल्कुल डैप करके छोड़ दिया बिल्कुल भी नहीं आप कम अज़ कम जो मैंने आपको फ़ेस वॉश दिखाया है तीन से चार दफ़ा एवरी डे आप उसको मुंह को जितना क्लियर रखेंगे जितना क्रीम्स का यूजेज करेंगे आपकी स्किन फ्रेश रहेगी और साथ में विटामिन तो हम आपको बहुत सारी वीडियोस में बताते रहते हैं बताएंगे भी मगर आप अपनी डाइट विटामिनस को आप कवर कर सकते हैं डाइट के जरिए फ्रूट्स के जरिए जितने वाटर बेस्ड है ना जितने फाइबर फाइबर क्या होता है जी चने में होता है जी तरबूज में होता है खरबूजे में होता है रोटी ब्राउन वाली में होता है वो तमाम चीज़ें अगर आप लेंगे तो विटामिन की कमी किसी हद तक पूरी ज़रूर होगी मगर आप को फिर भी एक बताएंगे और अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कि पूरा रमज़ान में 30 डेज़ आपको पता भी नहीं चलेगा और जैसे जैसे ईद करीब आएगी आपकी स्किन फ्रेश रहेगी और बल्कि और ज़्यादा ग्लो करेगी क्योंकि एक तो आपकी फास्टिंग हो गई ठीक है और साथ में आपने रिजीम अच्छी फॉलो की और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते रहेंगे तो आपका पूरे साल के लिए एक पैटर्न बन जाएगा अच्छा जल्दी से हमें कमेंट करें कोई आपको चीज़ समझ भी नहीं आई कोई कन्फ्यूजन है हम लोग आपके साथ कॉन्टैक्ट में आपके तमाम कमेंट्स हम पूरी अच्छी तरह पूरी टीम हमारी अच्छी तरह उसको सूटनी करती है कि जी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और हम लोग नए नए वीडियोज़ के साथ आपके लिए दोबारा आएंगे बहुत ख्याल रखिएगा जी थैंक यू सो मच खुदाफ